अम्मी आप यहाँ कब आए? सरप्राइज। हमारे कहने पर ही ये यहाँ आई है। क्या बात है, सरप्राइज देखकर आपके तो होश उड़ गए। दो दिन पहले अनुभव का फोन आया था, इन्होंने कहा कि तुम बहुत अकेलापन महसूस कर रही हो, हमें याद कर रही हो। लेकिन हाँ, अनुभव ने हमें सख्त ताकीद दी थी कि हमारे यहाँ आने के बारे में तुम्हें हम कुछ भी ना बताए, ताकि हमें यहाँ अचानक से देखकर तुम्हारे चेहरे पर जो खुशी आएगी वो हम दोनों मिस नहीं करना चाहते थे। कैसी है हमारी बच्ची? बहुत अच्छी हो मम्मी, आपको बहुत मिस किया। हमने भी, जरा देखो तो, अच्छी खासी हट्टी कट्टी शेर जैसी बेटी को छोड़कर गए थे और आकर देखने को क्या मिल रहा है, ये कमजोर बकरी। आओ ना बैठो तुम लोग, आओ आओ, हम ना तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बनाकर लाते हैं। अरे नहीं नहीं, आप बैठिए, हम बनाकर ला। अरे हम किस दिन के लिए हैं, बैठो। जो भी हो, कमाल की अभिनेत्री हैं आप। कहते हैं कि इंसान अपने आप को सारी दुनिया से छिपा सकता है, परंतु अपनी माँ से नहीं, क्योंकि माँ अपनी संतान को किसी भी रूप में पहचान सकती है। परंतु आपने अपने जबरदस्त अभिनय कौशल से हसीना जी की माँ को भी छल लिया। वैसे एक बात बताइए, हसीना जी की अम्मी को आपने पहचाना कैसे? अब तो उर्मिला है। क्या रे मेरे चिक्कू, तू मेरे को बहुत हल्के में लेता है ना, और उससे भी ज्यादा हल्के में लेता है अपनी बहन को, करिश्मा सिंह। हाँ पर हमें ये समझ में नहीं आया कि आपने हमारी अम्मी को यहाँ बुलाया क्यों? क्योंकि हमें उनकी परवाह है। कितने दुख की बात है ना, हसीना जी अब इस दुनिया में नहीं है, और जिनको सबसे पहले ये बात पता होनी चाहिए वही इस बात से अनजान है। जिनको सबसे ज्यादा हक है उन्हें ही नहीं पता कि उनकी बेटी हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर चली गई है। यही बताने के लिए हमने उन्हें यहां बुलाया है। नहीं नहीं नहीं, नहीं हम जानते हैं कि ये उतना आसान नहीं है। कितना कष्ट पहुंचेगा ना उन्हें। अब हमारी व्यवस्था देखिए, ये दुखद समाचार हमें उन्हें देना होगा, उन्हें बताना होगा कि हसीना जी अब इस दुनिया में नहीं रही। अगर अनुभव ने ये बात अम्मी को बता दी तो अम्मी ये सदमा झेल नहीं पाएंगी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.